नमस्कार दोस्तों, आरबीआई मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिलका से आ रही है। फाजिलका में कोरोना वायरस के मद्देनजर कर्फ्यू के दौरान जरूरतमंदों तक सरकारी राशन पहुंचाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। पंजाब सरकार द्वारा जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद अब राधा स्वामी कॉलोनी की खड्डी वाली गली के लोगों ने राशन वितरण में भेदभाव के आरोप लगाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि जरूरतमंदों तक राशन नहीं पहुंच रहा है, जबकि जिनका लाभ इन्हें नहीं मिलना चाहिए उनको राशन बांटा जा रहा है। एक बार से गली निवासियों द्वारा यहां पर अपना रोष जताया जा रहा है। गली वासियों का कहना है कि सरकारी राशन सरकारी मुलाजिमों द्वारा ही वितरित किया जाना चाहिए। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं यहां पर रहने वाले लोगों से, विधायक से अपना रोष जता रहे हैं। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। बच्चे खान मिले जिन्हें चार सर गट्टा दे आए। अच्छा, और की मांग की कर रहे हो तुसी? राशन नहीं मिल रहा, कुछ भी कम कर वैसे नहीं है, भुखे मरते पे। एमसी साडा छाड़ छाड़ के सौदा दिंदा पे, बंदे की शक्ल पछाण पछाण के। सूबे वधिया सरकार कर रही है, पंजाब सरकार दे नुमिंदे बंदे छाड़ छाड़ के सौदा दे रहे ने। राधा स्वामी